बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आप इससे हम अपना टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आइसोमरिज्म। अच्छा, इसके वहाँ पर दो लेक्चर होंगे, दो पार्ट्स होंगे आइसोमरिज्म के। हम आज पहले पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, और बच्चे सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे दैट इज योर स्टीरियो आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो बच्चे हम जनरल बात करते हैं, आइसोमरिज्म स्टैंड फॉर द कंपाउंड्स हैविंग सेम फार्मूला, सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज लाइक ज्योमेट्री एंड एवरीथिंग। तो इसे कंपाउंड्स हैविंग सेम फार्मूला, सेम केमिकल, वी आल्सो कॉल्ड सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। बच्चे प्रॉपर्टीज में इनके स्ट्रक्चर शामिल हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर एज वेल, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस एंड सो ऑन। तो बच्चे इसके वहाँ पर दो मेन कैटेगरीज हैं, इसके बच्चे दो मेन टाइप। नंबर वन स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड सेकेंड टाइप बच्चे हमारे पास है दैट इज योर स्टीरियो आइसोमरिज्म। अगर हम शॉर्ट दोनों को डिफाइन करें तो इसे द आइसोमर हैविंग सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, द कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ये बच्चा प्रॉपर डेफिनेशन है रिगार्डिंग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। एंड हियर वी से कंपाउंड हैविंग सेम फार्मूला बट आपके एटम या ग्रुप्स की स्पेस में अगर पोजिशन चेंज हो जाए, द कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस, तो स्पेशियल अरेंजमेंट का डिफरेंट होना, दैट इज द डेफिनेशन फॉर द स्टीरियो आइसोमर्स। इट इज फाइव डिफरेंट टाइप्स। नंबर वन चेन आइसोमरिज्म, पोजिशनल आइसोमरिज्म, नंबर थ्री फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप जिसमें आप फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दो, देन मेटामरिज्म, एंड द लास्ट वन द फिफ्थ वन इज टॉटोमरिज्म। नाउ चेक, हम शॉर्ट से देख लें, इन आइसोमर्स में कार्बन चेन चेंज हो जाएगी। बिकॉज द एग्जाम्पल मैं शॉर्ट से बता रहा हूं समझने का, इनमें आपकी पोजीशन चेंज होगी फंक्शनल ग्रुप की, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। अभी हम बात करेंगे विद एग्जांपल्स। हियर फंक्शनल ग्रुप इज चेंज, फंक्शनल ग्रुप इज चेंज। हियर आप कहते हो फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे कार्बन की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, unequal distribution of carbon atoms on both sides of same functional group. Functional group change नहीं करना इसमें, it should be same. It is due to change in position of proton. Position of proton mean H positive in a same molecule. तो अगर आप H plus की जगह change कर दो in a same molecule, तो चलो इसको detail से देखते हैं। और इनकी भी दो टाइप मॉलिक्यूल्स में ऐड हैं, वन ऑफ देम इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एंड सेकंड इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, आल्सो कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। फर्स्ट टाइप की चेन आइसोमरिज्म, तो इसे आइसोमर हैविंग सेम फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन द चेन। तो अच्छा आप चेक करते हो, अगर मेरे पास ब्यूटेन है फार्मूला C4H10, तो अच्छा पहला ऑप्शन आप चार कार्बन आपके पास है इनको आप अरेंज करो स्टेट चेन में, एंड द सेकंड ऑप्शन आपके पास चार कार्बन है आपने कार्बन का चेन चेंज करना है, तो आप एक कार्बन को यहाँ से उठा के ब्रांच बना दो, ब्रांच कभी एंड पर नहीं होती है, ऊपर या नीचे कहीं भी लगा दें, बाकी आप स्केच पूरे कर लो। अगर यू गॉट कंपाउंड CH3 CH2, इस कार्बन के दो एच पूरे करने हैं
इसके बच्चे 3H पूरे करने होंगे, चार बॉन्ड पूरे करने के लिए 3H चाहिए थे, वन बॉन्ड है 3H आएंगे, थ्री बॉन्ड्स हैं 1H आएगा, वन बॉन्ड है 3H आएंगे, वन बॉन्ड है 3H आएंगे। तो आप चेक करना दोनों का फार्मूला है, दोनों कंपाउंड में चार कार्बन है और 3, 3, 3, 9 and 1, 10 हाइड्रोजन है बोथ दिस कंपाउंड, तो दैट इज कॉल्ड एन ब्यूटेन एंड दैट इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। देखिए आपने कार्बन की चेन बदली है, स्टेट चेन में चार कार्बन, स्टेट चेन में तीन कार्बन, बट हैविंग सेम फार्मूला C4H10। टेक वन मोर एग्जांपल, अगर हम बात कर लें पेंटेन की, पहला ऑप्शन जी 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन इन द स्टेट चेन नेम्ड एज नॉर्मल पेंटेन। अगर आप एक एच को हटा के कहीं दरमियान में लगा दो 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ कार्बन इज देयर, दैट इज कॉल्ड आइसोपेंटेन। टोटल पांच कार्बन है, वन डॉट्स कॉर्नर ऑफ द कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 हियर एज वेल 1, 2, 3, 4, 5। थर्ड केस जी, अगर आप यहाँ पर तीन कार्बन स्टेट चेन में बनाते हैं और दो ब्रांचेस बनाते हैं, दैट इज आल्सो 1, 2, 3, 4, 5 नेम्ड एज नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो ये बच्चे हमारे पास सब कंपाउंड्स में पांच कार्बन है और 12 हाइड्रोजन हैं, तो ऑल ऑफ देम आर पेंटेन बट उनकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में कार्बन चेन को हमने चेंज कर दिया। स्टेट चेन में पांच कार्बन है, इसकी बच्चे स्टेट चेन में चार कार्बन है और इसकी स्टेट चेन में तीन कार्बन है। नाउ वी डिस्कस पोजिशनल आइसोमरिज्म, मतलब इसके देखिए नाम में आंसर है, अगर आप कार्बन एटम में चेन को सेम रखें लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करते हैं, द आइसोमर आइसोमर इन विच चेंज इन पोजीशन, बहुत ध्यान से बच्चे, पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप, आपने फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं करना, उसकी पोजीशन चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल इफ यू राइट वन कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, इट इज ये बच्चे आपके पास OH है, पहले कार्बन पे अगर मैं OH को दरमियान में लगा दूं तो आप चेक करना फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है, सिर्फ मैंने कार्बन की अटैचमेंट चेंज की है, कार्बन चेन स्टेट चेन में तीन कार्बन है, स्टेट चेन में तीन कार्बन है, बाकी आप स्केच पूरे कर लो, हर कार्बन के चार बॉन्ड पूरे करने हैं, वन बॉन्ड इज देयर वी नीड 3 हाइड्रोजन्स, हेयर वी नीड 2 हाइड्रोजन्स, हेयर वी नीड 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं 2 हाइड्रोजन्स, here as well it contain 3 hydrogen, it contain 3 covalent bond, needs 1 hydrogen for getting 4 bonds, it needs 3 as well, that is named as 1 propanol, that is called 2 propanol। तो बच्चे आप चेक कर लोगे इसमें हमने पोजीशन चेंज की है सेम फंक्शनल ग्रुप की और दोनों का फार्मूला सेम है, दोनों में बच्चे तीन कार्बन है, अगर आप एच काउंट कर लें 3, 4, 5, 6, 7, 8 दोनों में काउंट करें 3, 4, 5, 6, 7, 8 और बच्चे दोनों में एक ऑक्सीजन, तो सेम फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। आप बच्चे को एग्जाम्पल लिखते हैं आप, लाइक अगर मैं इसका लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो चाहे आप अगर Cl यहाँ लगाते हो और एक Cl यहाँ लगाते हो तो दैट इज द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, दैट इज कॉल्ड 2 क्लोरो और 1, 2, 3, 4 2 क्लोरो ब्यूटेन and that is called 1, 2, 3, 4 butane as well, और बच्चे आपके पहले कार्बन पे क्लोरीन, तो 1 क्लोरो ब्यूटेन। नेक्स्ट वन जी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, बच्चे इन कंपाउंड में केमिकल फार्मूला तो जाहिर सी बात है सेम है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, तो आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स फार्मूला सेम रहेगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट जी, वेरी सिंपल एज वेल,
फर्ज करते हैं जी आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें आपके दो कार्बन है और OH प्रेजेंट है, दैट इज योर अल्कोहल। और बच्चे एक और कंपाउंड है, दो कार्बन है और बच्चे एक ऑक्सीजन है। अगर आप इसके बॉन्ड पूरे कर लो, फर्स्ट कार्बन का एक बॉन्ड है बच्चे, तीन एच आ जाएंगे, इसके दो बॉन्ड्स है, आपको दो एच लगाने पड़ेंगे। ये बच्चे कार्बन का एक बॉन्ड है, वी नीड थ्री हाइड्रोजन, वी नीड थ्री एच एज वेल, दैट इज द एथानोल। फंक्शनल ग्रुप इज अल्कोहल, हेयर फंक्शनल ग्रुप इज ईथर, डाई मिथाइल, दो मिथाइल और ये कंपाउंड आपका ईथर। तो अब चेक करना, दोनों कंपाउंड्स में दो कार्बन है, दोनों कंपाउंड्स में तीन और तीन छः, तीन चार पाँच छः हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो हैविंग सेम फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, वन इज अल्कोहल, अदर इज ईथर। नेक्स्ट एग्जांपल जी फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, वेरी फेमस कार्बोनाइल, इफ वी टेक एल्डिहाइड, तो मुझे हमारी पहचान थी एल्डिहाइड के आखिर में कार्बोनाइल के साथ आपको एच लगाना होता है। बाकी अब इसके अगर कार्बन लिखते हो थ्री, तो अगर मैं कीटोन ले लूं तो कीटोन की पहचान कार्बोनाइल के दोनों साइड पे कार्बन आएगा। अगर आप इसके एच पूरे करते हो, दिस कार्बन नीड्स थ्री हाइड्रोजन, सेंट्रल कार्बन नीड्स टू हाइड्रोजन, दिस कार्बन नीड्स थ्री हाइड्रोजन, इट आल्सो नीड्स थ्री हाइड्रोजन, क्योंकि आपको चार बॉन्ड पूरे करने हैं। तो अच्छे थ्री कार्बन हैं, तो इन दोनों में आप काउंट करोगे, दोनों में थ्री कार्बन। अगर आप एच गिनते हो, थ्री फोर फाइव सिक्स, थ्री एंड थ्री सिक्स एंड वन ऑक्सीजन, दीज आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, दैट इज योर एल्डिहाइड नेम्ड एज प्रोपानल, दैट इज कीटोन नेम्ड एज प्रोपेनोन। तो बच्चे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। नेक्स्ट बच्चे मेटामरिज्म, ये बच्चे कंपाउंड हैविंग सेम केमिकल फार्मूला, सेम चेन, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम पोजीशन एज वेल, लेकिन हम कहते हैं कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे कार्बन की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइसोमर्स वेयर देयर इज अनइक्वल अनइक्वल कार्बन एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, बोथ साइड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप लाइक बच्चे, और उसमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहना चाहिए, बिकॉज वी हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। तो ये बात भी ध्यान में रखना, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं करना, अदरवाइज वो आपके एग्जाम्पल्स बन जाती हैं, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। तो आपने फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं करना। लाइक एग्जाम्पल फॉर ईथर जी हम पहले बात कर लेते हैं। ईथर कॉन्टेन ऑक्सीजन, वन कार्बन इज देयर, थ्री कार्बन ऑन वन साइड, वन कार्बन ऑन वन साइड, एंड देन आपको टोटल चार कार्बन लेने हैं, तो आप दोनों को टू टू साइड पे शिफ्ट कर दो। बाकी बचे स्केच पूरे कर लो, इट नीड्स थ्री हाइड्रोजन, इट नीड्स टू हाइड्रोजन, टू हेयर एज वेल, थ्री हेयर एज वेल, अगेन आप इसके मैं बच्चे एच पूरे कर रहा हूँ, तो आप चेक करना, दोनों कंपाउंड में चार कार्बन है, दोनों कंपाउंड में बच्चे चार कार्बन है, एच काउंट करें अगर आप, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, दोनों में टेन एच है, थ्री टू फाइव एंड फाइव टेन, तो बच्चे थ्री आएगा और एक ऑक्सीजन है, दैट इज कॉल्ड मिथाइल प्रोपाइल ईथर, एंड दैट इज योर इथाइल इथाइल मीन्स डाई इथाइल ईथर। तो बच्चे एग्जाम्पल फ्रॉम कीटोन एज वेल, आप कीटोन की अगर बात कर लेते हो, कीटोन में कार्बोनाइल कंपाउंड एट द सेंटर, वी नीड वन कार्बन और टू कार्बन, देन टू कार्बन हेयर एज वेल, और टोटल बच्चे आपके चार दो दो चार कार्बन है कार्बोनाइल के दोनों साइड्स पे। तब आप ये करो, एक साइड पे वन और एक साइड पे थ्री ले लो। तो अब आप स्केच पूरे करोगे, तो इसमें आप चेक करना, सेम फार्मूला होगा, दोनों में सेम कार्बन, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे अनइक्वल टू टू कार्बन है और यहाँ पर वन और थ्री कार्बन, दैट इज कॉल्ड थ्री पेंटानोन, दिस वन इज टू पेंटानोन, टू पेंटानोन। टाटोमारिज्म, टाटोमारिज्म द आइसोमर्स इन विच देयर इज change in position of proton, change in position of proton
मीन्स एच प्लस, और जो दो फॉर्म बनेंगी प्रोटॉन को शिफ्ट करने से दे हैव इक्विलिब्रियम एज वेल, द टू फॉर्म्स आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर विद ईच अदर। एग्जाम्पल जी हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल जी, लाइक वी डिस्कस अबाउट कीटो एंड इनोल फॉर्म, नाम में जी कीटोन एंड अल्कीन इथीन और ओएल मीन डबल बॉन्ड और ओएच कॉम्बिनेशन। लाइक एग्जाम्पल इज इफ यू टेक कीटो फॉर्म, लाइक बच्चे मैं एसीटोन ले रहा हूँ, इट इज योर कीटोन, और अगर मैं इसके एक एच को शिफ्ट करके और यहाँ प्लेस कर दूँ तो बच्चे आपका आंसर आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C। बच्चे मैंने एच को निकाल के प्रोटॉन को यहाँ शिफ्ट किया, दिस बॉन्ड शिफ्टिंग हेयर, तो बच्चा आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये बच्चा आपका डबल बॉन्ड फॉर EN और आखिर में OL फॉर अल्कोहल, दैट इज कॉल्ड इनोल फॉर्म, दैट इज योर कीटो फॉर्म मीन्स कीटोन, तो दे आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ज्विटराइन, ये बच्चे आपका अमीनो एसिड में एग्जिस्ट करता है, दैट इज यू राइट CH3CNH2। तो मैं देख रहा हूँ जिन कंपाउंड में अमाइनो और कार्बोक्सिलिक एसिड इकट्ठे प्रेजेंट हों दे आर कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। अगर बच्चे आप इसका प्रोटॉन शिफ्ट करके यहाँ ले आओ, देन यू गॉट CH3CHNH3 बच्चे प्लस चार्ज, N के चार बॉन्ड बन गए CO-, तो ये बच्चे वहाँ पर एग्जाम्पल हैं जिसमें प्रोटॉन ने जगह चेंज की, दैट इज कॉल्ड ज्विटराइन, दैट इज कॉल्ड इंटरनल साल्ट, बच्चे बहुत सारे नाम हैं, ऑल्सो नेम्ड एज डायपोलर आइन, डायपोलर आइन एंड अदर नेम्स आर ज्विटराइन एज वेल। तो बच्चे आज हम यहाँ पे इसको फिनिश करेंगे, इन द सेकेंड लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द डिटेल्स ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म।